हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी साइमन में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि डेस्कटॉप या पीसी के जो बैकग्राउंड इमेज है वो शो नहीं कर रहा है या ब्लैंक हो गया है। जैसे कि आप मेरे डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, ये मेरा जो बैकग्राउंड इमेज है वो शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भाई क्या सोल्यूशन है, क्या कैसे ये ठीक हो सकता है? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर और साथ ही में सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कंट्रोल पैनल सर्च करना है सर्च पैनल से। जैसे कि मैंने यहाँ पर किया कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल ओपन होते ही आपको राइट साइड में फोर्थ ऑप्शन दिखेगा ईसीओ फेसेस। इसमें आपको सेकंड ऑप्शन पर जाना है ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले पर क्लिक करना है। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको सिंपल बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, लेकिन इसमें से आपको कोई चूज नहीं करना है। सिंपल से स्क्रॉल करके नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा मेक थिंग्स ऑन द स्क्रीन इजर टू सी। इसमें आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिखाई दिया, रिमूव बैकग्राउंड इमेजेस वेयर अवेलेबल। तो इसको मैं क्या करना है कि देखिए, ये मेरा पहले से ही टिक मारा हुआ है, ठीक है। इसको हम लोग को टिक को हटा देना है। सिंपल यहाँ पर क्लिक करिए, टिक हट गया। उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई बटन पर। जैसे ही आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ सेकेंड लेगा, उसके बाद जो आपका ये पीछे का बैकग्राउंड इमेज है वो शो करने लगेगा, ठीक है। ओके ओके बटन प्रेस करें या ना प्रेस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसे आप क्लोज कर दें तो आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो मेरा बैकग्राउंड इमेज है जो मैंने लगाया था वो क्या हो रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियो मैं लाऊं तो कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो